12 बज गए, एक दिन और गुजर गया, इसका मतलब वी लेफ्ट विद 95 डेज ओनली. रुको मैं काट के आती हूँ. मरियम बीबी के कमरे का तो सारा सामान ही निकाल दिया. ये तस्वीर तो बड़े साहब को और मरियम बीबी को बहुत पसंद थी, इसका क्या करना है? हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये वाकई उन्हें बड़ी पसंद थी. मैं जाके बेगम साहबा से पूछ लेता हूँ कि इस तस्वीर का क्या करना है. ठीक है. नहीं मॉम, मैं आज नहीं मिल सकती हूँ, रात में हमें डिनर पे जाना है. हाँ कल का प्लान डन कर लेते हैं. ठीक है मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. बेगम साहिबा, ये मरियम बीबी के सामान में से ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? इसे आप स्टोर रूम में रखें. जी वो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तस्वीर तो बड़े साहब को बहुत पसंद थी. अगर बड़े साहब ने तस्वीर देख ली ना, आपको नौकरी से निकाल देंगे. और जो शख्स दिल से उतर गया हो उसकी तस्वीर को घर में रखे क्या करना है? जाए इसे स्टोर रूम में रखे. जी बेहतर. जिशान, तुम आ गए? मेरा इंतजार कर रही थी. कहाँ थे तुम इतनी देर से? जिशान, अच्छा हुआ तुम आ गए. अफशान, अफशान बेटा, बेटा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि दिन में देखे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते. अगर तकदीरों को बदलना माँ के हाथ में होता तो दुनिया की कोई भी बेटी हर गम और परेशानी से हमेशा दूर रहती. उठ जाओ बेटा, मुँह हाथ धो लो. ठीक है? सर आप मेरे साथ चले, मेरे पास एक प्लॉट है कमर्शियल एरिया में, आपको दिखाता हूँ. अच्छा आप चलें, फिर चलते हैं. आप मुझे दो मिनट दीजिए, मैं असर की नमाज अदा कर लूँ, उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे. कल तक आपकी बहू के पैर हल्के हो जाएंगे. कल असर की नमाज के बाद चाय मैं ही बनाऊंगी.
बड़े मीठे जा रही बा फेंकू फेंक तू फेंक नहीं फेंक भी अच्छा फेंक तू ये लो फेंको 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 मैं चाय बनाने जा रही हूँ इतनी जोर से फेंक रही है ये बा फेंको 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 ओ मट्टी में चली गई अब बस गेम खत्म मैं चाय बनाने जा रही हूँ ठीक है तुम रहने दो सफिया चाय बना रही है अच्छा सफिया आप आओ मेरे लिए भी चाय बना दीजिएगा मैंने बना ली है खुद बना कर पी लेना तौबा है सफिया तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी इसको कहते हैं किस्मत की खराबी ऊंट पर बैठो और कुत्ता काट लो अरे क्या ओल फोल बके जा रही है अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है खुदा को मंजूर ना होता तो आमिल साहब का तावीज ना मिलता अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा उसका बच्चा जाया होना होगा तो वैसे भी हो जाएगा तुम क्यों ये इल्जाम अपने सर लेती हो खुदा तदबीर करने वालों का साथ देता है अम्मी वरना तो मैं ऐसी सारी जिंदगी मैके की दहलीज पर बैठी रह जाऊंगी अच्छा भाई जो तुम्हारे दिल में आए वो करो ना तुम सुनती हो ना तुम्हारा भाई मैं तो चक्की के दो पाटों में पिस कर रह गई हूँ पहले मुझे लगता था जैसे मेरा बच्चा भी मेरी तरह यहाँ पर पिस के रह जाएगा लेकिन आज आज मुझे एहसास हुआ है कि तुम उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दोगे तुम्हें वैसे क्यों लगा
जैसे तुमने आज सिचुएशन हैंडल की है उसे देख के लगता है जैसे तुम इस पूरी दुनिया से हमारे बच्चे के लिए लड़ जाओगे। वैसे सुशान पापा का रिएक्शन इतनी छोटी सी बात पर मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं वो आई गेस थोड़ी डिप्रेस थी इस वजह से इस तरह रिएक्ट किया उन्होंने। क्या बात है जिशान तुम भी मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मैं नरीबा को देख लेता। जब भी पैसे गिरने लगो ये नाजिल हो जाती है। सफिया बैठो। तुम्हारी उतरी भी शक्ल से तो लग रहा है कि तुम अब भी अपनी भाभी को घर से निकालने में नाकामयाब हो। हाँ बस मैं अकेली हूँ जो अपना घर बसाने के लिए मैं रोज जूते खा रही हूँ और तुम ना यहाँ जूते बेचते ही रहना। सफिया सफिया मैं भी वहां अकेला रहता सारा दिन अम्मा की कोशिशों को मैं नाकाम करने में तुला रहता हूँ कि मेरी दूसरी शादी ना वो कहीं करा दे और तुम्हें यहाँ आके। अच्छा चलो नाराजगी छोड़ो अंडे वाला बर्गर खाओगी चिकन। उसामा बात सुन बेटा बेगम साहब के लिए मजेदार चिकन वाला बर्गर बना के लेकर आ और एक सेकंड चाय दूध पत्ती भी। अच्छा सुनो वो जो तुमने अपनी अम्मी से छुपा के वो मार्केट वाली बीसी डाली थी ना वो कब खुलेगी मुझे पैसे चाहिए। खुल जाएगी मत फिक्र करो। राजम यार मैंने एमडी साहब को स्टॉक एक्सचेंज की एनालिसिस रिपोर्ट ईमेल कर दी है तुम प्लीज देख लेना। आप परेशान ना हो मैं सब काम संभाल लूंगा प्लीज आप घर जाएं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग साहब आपने ऑफ नहीं लिया आपकी जरूरत ऑफिस में कम है घर में ज्यादा है। मैं भी यही कह रहा हूँ यार जीशान बस वो कुछ खास ईमेल्स करनी थी इसलिए ऑफिस आ गया। अच्छा बाय द वे मैंने राजम से कहा है कि तुम्हारे साथ ऑफिस में रहे। थैंक यू सो मच। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मच बेटर। ग्रेट। और तुम्हारी वाइफ की? जी ठीक। इन दिनों में खातीन की तबीयत में कुछ पूछनी चाह जाती है। खैर मैं चलता हूँ ठीक है संभाल लेना यार ठीक है। ओके गाइस सी यू कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके। ये अहमद साहब आजकल ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। खुशी की तो बात है आज उनकी बहन का रिश्ता तय हो रहा है और बहन भी वो जो पहले से बेवा थी। मैं तो उनके बहनोई से ना मिले बगैर भी उनका फैन हो गया हूँ। क्यों फैन क्यों? भाई आज के इस अफरा तफरी और नफसा नफसी के दौर में कौन किसी के बारे में सोचता है और अगर कोई सोच ले तो बड़ी बात है। और मैं तो समझता हूँ कि इंसान को दूसरों के लिए जीना चाहिए और मैंने भी सोच रखा है मैं भी बेवा यतीम बच्चों की माँ से शादी करूँगा। आप चाय बना दो। चाय का तो नाम ही नहीं लेना मेरे सामने। क्या बना रही हो? भिंडी। ये तुम दाल सब्जी से कभी बाहर निकलोगी? तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि किसी बड़े घराने से आई हो बल्कि लगता है कि झोपड़ी से उठकर आ गई हो तुम। सफिया क्या हो गया आपको? भाभी तो वही बनाएंगी ना जो अम्मी उन्हें ला कर देंगी। लो
आगे तुम्हारी वकील, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों ने ना मिलकर मेरे खिलाफ कोई महाज बनाया हुआ यहाँ पर। अभी हमने कोई महाज नहीं बनाया, महाज राय पे तो आप खुद आई नहीं है।